उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय रह चुका है। सभी नेता जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश करने का काम कर रहे हैं। हम भंगेल के फेस टू में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल, किस सरकार ने, किस पार्टी इनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रही है, कौन सा नेता इनके समझ में आ रहा है, किसको अपने मन में उतारेंगे, किसको वोट डालने का काम करेंगे। तो पहले बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह। कहाँ से रहे? देवला, सूरजपुर। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में वाकई में कुछ विकास हुआ है? अभी तो विकास हो ही रहा है, विकास चल रहा है, विकास हो रहा है। तो चुनाव आने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को? अगर अखिलेश जी बनते हैं तो उनसे क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद क्या बताए, उम्मीद क्या, अभी तो देख ही रहे उनके राज में सीधी से बात है, गुंडा राज होता ही क्या है। अब गुंडा राज नहीं है इस समय तो, कोई गुंडा राज है ही नहीं है। और क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं, गुंडा राज खत्म हो गया। अखिलेश यादव के समय पे ज़्यादा था, अखिलेश समय के ज़्यादा था, ज़्यादा था। अच्छा, महंगाई को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? महंगाई वाकई में है? जैसी महंगाई तो है, थोड़ी बहुत फिलहाल अभी है महंगाई। तो इस बार वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? मतलब क्या चीज़ सोच कर क्या वोट डालेंगे कि क्या होना चाहिए, इस आधार पे मैं वोट डालूंगा? रोजगार बढ़ना चाहिए। रोजगार को लेकर के तो कौन, क्या लग रहा है कौन रोजगार बढ़ा सकता है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती? योगी आदित्यनाथ ही बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ बढ़ा सकते, लोगों का ये मानना है। और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ से रहने वाले? शायद रही सही, नोएडा के। नोएडा के हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में वाकई विकास हुआ है? हाँ, काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ अगर आप हमें बताएं तो? यहाँ की सड़कें का विकास हुआ है, जो यहाँ की देख रेख है, मतलब कि जो सोसाइटियाँ हैं इसका विकास हुआ है। पहले तो बहुत गांव था ये, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया। तो चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार लगता है आ सकती है? योगी की सरकार आ सकती है, मोदी की सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी? अच्छा, योगी सरकार आएगी, लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे कि हाँ, इस मुद्दे के आधार पर मैं वोट डालूंगा? अब इसमें जो शिक्षा के, मैं अभी जो शिक्षा जो लिखा जी चल रहा शिक्षा के बारे में, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी हमारे गांव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें काफ़ी करोड़ रुपये दिया गया है उसको विकास होने के लिए। उसके सामने जितने प्राइवेट स्कूल है सब ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2017 से पहले की बात करूं अखिलेश यादव के समय की, तो उस टाइम पर माहौल क्या था, क्या बेहतर था या ख़राब था? नहीं, नॉर्मल था उनके मामले में, लेकिन अब जो विकास हुआ है अब ज़्यादा हुआ है, पहले तो नॉर्मल ही था। अच्छा, पहले नॉर्मल था, अब ज़्यादा हुआ है। तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्ण बहुमत के साथ इस बार इनकी सरकार बन जाएगी, तो अब जितना भी विकास अभी हुआ है उससे ज़्यादा हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है, और बेहतर विकास हो सकता है योगी आदित्यनाथ के राज्य में।